हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी चैनल पर। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, करने वाले हैं क्वेश्चन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट राजस्थान जुडिशरी के लिए, यूपी जुडिशरी के लिए और बहुत सारी अन्य जुडिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और इसीलिए हम आपके लिए वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे कि आप कंप्लीटली आराम से अपने सारे के सारे थ्योरीज को वेरीफाई कर पाएंगे, इसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे उन सारे क्वेश्चन के माध्यम से। जल्दी जल्दी से आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए हमारे साथ और उसके बाद हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन का सिलसिला। आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग बेरेक जो है उसको उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो बेरेक भी साथ साथ में आप लोगों को पढ़ना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेरेक जो है उसको भी साथ ही साथ में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, और साथ में क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। तो जल्दी से आ जाइए एक बार और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। तो आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए एक्ट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन कैन बी मेड। ट्रांसफर फॉर अनबॉर्न पर्सन कैन बी मेड, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टीपीए एक्ट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन इज वैलिड। तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि जब भी हम बात करते हैं ये फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन की, तो आपको ये समझना है कि ये जो फेवर है, जनरली अगर हम लोग बात करें, जनरल रूल जो है वो ये कहता है, जनरल रूल जो है वो ये कहता है कि ट्रांसफर जो है वो कैसा होगा, ट्रांसफर हमेशा इंटर वाइवोस होगा। इंटर वाइवोस होगा मतलब, इसका मतलब ये हुआ बिटवीन टू लिविंग पर्सन होगा, बिटवीन टू लिविंग पर्सन होगा, ठीक है। पर अब जब अनबॉर्न है तो भाई सीधी सी बात है कि अनबॉर्न को भी हमें ट्रांसफर करना है, और अगर अनबॉर्न को ट्रांसफर करना है तो भाई सीधी सी बात है हम लोगों को एक स्पेशल सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 13 के बारे में पढ़ना होता है। और सेक्शन नंबर 13 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले क्या है कि हमें एक अनबॉर्न को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनबॉर्न को हमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है वो उसका बनाना पड़ेगा, और उससे पहले एक लिविंग लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लाइफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएशन। ये दो आपकी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी दो कंडीशंस हैं जो आप लोगों को पता होनी ही होनी चाहिए, तभी जाकर आप किसी भी अनबॉर्न को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए जो है पहले बी को ट्रांसफर करेगा और बी के बाद वो एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करनी है, ए को अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी, तो वो पहले क्या करेगा, पहले वो ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा बी को, फिर उसके बाद बी जो है वो अनबॉर्न को ट्रांसफर करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना। तो यहां पर क्या आता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है वो आता है एआई, मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, यहाँ पर एब्सोल्यूट आपका इंटरेस्ट क्रिएशन की बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सेक्शन नंबर 13 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट यहां तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रूल अगेंस्ट परपेचुटी। रूल अगेंस्ट परपेचुटी की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि द रूल अगेंस्ट परपेचुटी जो है, इसमें वर्ड परपेचुटी का मतलब क्या होता है। वर्ड परपेचुटी यहां पर सिग्निफाई करता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी,
ठीक है, वर्ड परपिचुटी यहाँ पे सिग्निफाई करता है इन्फिनिटी को, और यहाँ पर एक रूल है, रूल अगेंस्ट परपिचुटी, मतलब रूल अगेंस्ट इन्फिनिटी। यहाँ पर एंडलेस ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक खास तरीके का क्या किया गया है, एक प्रोविजन डाला गया है, जिसमें खासकर हम वो एंडलेस ट्रांजेक्शन को रोकना चाहते हैं उसके लिए एक लिमिटेशन, एक कंडीशन हम लोग ने वहां पर लगा दी है। और यहाँ पे जो आपका रूल है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी जो है ये आता है आपका सेक्शन नंबर 14 में। कहां पर आता है? सेक्शन नंबर 14 में आता है। और सेक्शन नंबर 14 में सिंपल अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लिखा हुआ है कि हमें एक मैक्सिमम ठीक है, जो टाइम है जिसके लिए, ये जिसके समय तक हम एक प्रॉपर्टी को ठीक है लाइफ इंटरेस्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, वो क्या है? वो है आपका मैक्सिमम टाइम कितना है, लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन प्लस गेस्टेशन पीरियड ऑफ अनबॉर्न ठीक है, और प्लस दी आपकी टिल द एज ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी ठीक है, मतलब 18 वर्ष यहां पे मेजोरिटी की डेट लिखी गई है। ये जो 18 वर्ष है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैक्सिमम टाइम है जब तक कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट ट्रांसफर चाहे तो ना बनाएं, उसके बाद आपको एब्सोल्यूट ट्रांसफर करके ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे आगे लेके जाना पड़ेगा। बट इस सेक्शन नंबर 14 के कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जो आपको सेक्शन नंबर 18 में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? सेक्शन नंबर 18 में मिलेंगे। और वो क्या है? वो है आपका सबसे पहला तो है चैरिटी, ठीक है, याद रखेंगे चैरिटी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपको एक चीज बता दें कि वक्फ बोर्ड जो है वो भी आपका एक तरीके का एक्सेप्शन है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रूल। रूल अगेंस्ट परपेचुटी का जो एक्सेप्शन है वो ये दो हैं। तो इसमें आपसे पूछा है रूल अगेंस्ट परपेचुटी डू नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, तो यहां पर आपका आंसर आ जाता है आपका चैरिटी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक आ रहा है समझ में चीज? चलिए, तो जल्दी से कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताते रहिए, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि यस यू आर विद अस और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका सेक्शन 13 है और जो सेक्शन 14 है डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम लॉ, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है, ये है आपका अनसर्टेन इवेंट, द ट्रांसफर इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं उस ट्रांसफर को। तो यहां पर बात हो रही है क्या, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एंड इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, इन द फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली, यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है ओनली, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ कह सकते हैं स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल ट्रांसफर कहेंगे, ट्रांसफर बाय इंटरेस्ट कहेंगे, एब्सोल्यूट ट्रांसफर कहेंगे या कॉन्टिजेंट ट्रांसफर कहेंगे, ये आप लोगों को जल्दी से हमें बताना है। जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट करके एक बार जल्दी से बताइए कि ये कंडीशनल ट्रांसफर होगा, कॉन्टिजेंट ट्रांसफर होगा। ये देखिए, ये तो पक्का है कि आपका ट्रांसफर बाय इंटरेस्ट तो नहीं है ये, ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर तो ये कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट की बात हो रही है, ऑन द हैपनिंग ऑफ
स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की बात हो रही है, तो जल्दी से मुझे बताइए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कंडीशनल आएगा या कॉन्टीजेंट आएगा? तो याद रखेंगे इसमें आंसर आएगा आपका कॉन्टीजेंट ट्रांसफर। अब समझ लेते हैं कि ये कॉन्टीजेंट ट्रांसफर जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेक्शन नंबर हमारा 25 है, और ध्यान से देखें ठीक है, और 21 जो है ये कंडीशनल और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट से डील करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो 25 आपका कंडीशनल ट्रांसफर है, 21 जो है वो आपका कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट है। क्या बोल रहा है ये, जरा देखिए जरा ध्यान से, ये बोल रहा है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट में वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली, अभी वही लाइन लिख दी गई है, पूरी की पूरी वही लाइन लिख दी गई है, ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। तो ये लाइन पूरी उठा ली गई है, और इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन सच पर्सन देयर बाय एक्वायर्स अ कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट और कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सच इंटरेस्ट बिकम्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फॉर्मर केस ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इन द लेटर व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यहाँ पे दो शब्दों का नाम लिखा गया है, एक है आपका कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट और दूसरा है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो है आपको सेक्शन नंबर 19 में मिल जाएगा, उसको भी अब हम लोग डिटेल में समझेंगे सेक्शन नंबर 19 को। और ये कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट के बारे में लिखा है जहां पे स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, इस पूरे सेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आपका स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग। ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट जो है शैल नॉट हैपन तब यहाँ पे कॉन्टीजेंसी की बात होती है। याद रहेगा ये चीज, कोई डाउट यहां तक? अब इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको भी समझ लेते हैं। अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट देयर अपॉन अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज एंड ट्रांसफर ऑल्सो गिव्स हिम एब्सोल्यूटली द इनकम टू अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट बिफोर ही रीच दैट एज और डायरेक्ट द इनकम सो मच देयर ऑफ एज मे बी नेसेसरी to apply for his benefit, such interest is not contingent. इस बात को भी ध्यान रखेंगे, such interest is not contingent. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात हो रही है कि अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, एक person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age, and the transfer also gives to him the income to arise from such interest. Before he reaches that age or directs the income or so much thereof as may be necessary be applied for his benefit and such interest is not contingent. इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई ए ने अगर बी को एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया और बोला कि ये पर्टिकुलर इवेंट की 18 साल जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर इसको पूरी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देना। तो ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर बी से कह दिया कि भाई जब ये 18 साल का हो जाएगा तो ये आपका कैसा हो गया, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हो गया, मर भी सकता है। बट इसको हम लोग कॉन्टीजेंसी में नहीं लेकर आते हैं कि कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट में नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यही आपका सेक्शन नंबर 21 कह रहा है। कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से 21 को भी समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, कॉन्टीजेंट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लीडिंग केस ऑन रिस्ट्रिक्शन रेपिडेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था ये चीज कि रिस्ट्रिक्शन रेपिडेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कौन सा सेक्शन है? ये है आपका सेक्शन नंबर 11। मेनली आपको बात करता है क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑन द enjoyment of the alienated property। ठीक है, ये बात करता है restriction on the enjoyment और condition on enjoyment of alienated property। ये है section number 11। बहुत simple सी बात करता है section number 11। ये कहता है कि
कि जब भी किसी तरीके का एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है, कैसा होता है, जब भी किसी तरीके का एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है तो वहां पर जब एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो गया है तो जो एंजॉयमेंट है, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज हम बता सकते हैं कि ए जो है उसने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, और ये ट्रांसफर कैसा है, ये एब्सोल्यूट है। एग्जाम्पल मान लीजिए सेल हो गई है, तो यहाँ पर ए जो है वो कोई कंडीशन लगाता है, ए जो है कोई कंडीशन लगाता है, ठीक है, कंडीशन ऑन एब्सोल्यूट ट्रांसफर, ऑन एब्सोल्यूट ट्रांसफर जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी वॉइड, वो हो जाएगी आपकी वॉइड। अब यहां पर अगर मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी लगती है जो कि स्पेशली एंजॉयमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी है, या एंजॉयमेंट की बात कर रही है, ठीक है, ऑफ द ट्रांसफरर, ऑफ द ट्रांसफरर, तब यहां पर कुछ हमारे पास कंडीशंस आती हैं जिसमें ट्रांसफरर की कंडीशन को हम एप्लीकेबल मान भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी मान सकते हैं। तो जनरली हम देखें तो ट्रांसफर किसी तरीके की कंडीशन नहीं लगा सकता ऑन द एंजॉयमेंट, कि कैसे ट्रांसफरी जो है, कैसे खरीदने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगा, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती, लगाता भी है तो वो वॉइड होगा। पर कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 11 के दो एक्सेप्शंस भी हैं, उस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक होता है आपका, एक आपका एक्सेप्शन जो है वो है लीज का, ठीक है, लीज, और ये खासकर जो लीज हो रही है फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ लेसर है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और यहां पर अगर आपका पार्शियल एंजॉयमेंट की बात हो रही है, पार्शियल एंजॉयमेंट, ठीक है, एंजॉयमेंट ऑफ द ट्रांसफरर की बात हो रही है, कि ट्रांसफरर जो है अपनी प्रॉपर्टी को जो उसने ट्रांसफर की है उसके एंजॉयमेंट के लिए, बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट के लिए, बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट, ये वर्ड मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट, बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट के लिए कंडीशन लगा सकता है, कौन लगा सकता है, ट्रांसफरर लगा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये एक्सेप्शन है आपके सेक्शन नंबर 11 के। अब उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा लीडिंग केस है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यहां पे आंसर आता है आपका टर्क्स वर्सेस मॉक्से, टर्क्स वर्सेस मॉक्से जो केस है ये आपका लीडिंग केस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कूपर वर्सेस कूपर जो है ये खासकर आपका एक लीडिंग केस है ऑफ सेक्शन नंबर 35। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताइए कि सेक्शन नंबर 35 जो है वो किससे रिलेट करता है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा है ये आपका सेक्शन नंबर 35। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आता है बेलामी वर्सेस सबाइन का केस, ये आपका पेंडिंग सूट जो है, पेंडिंग जो सूट है उस पर है जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ। और आरएफ वर्सेस यदुनाथ का जो है ये पार्ट परफॉर्मेंस का एक बहुत ही फेमस केस है, पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेट करता है, ठीक है, परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। तो हम कह सकते हैं सेक्शन नंबर 53 इसमें है पीपीए का, और ये है आपका सेक्शन नंबर 52, और ये है आपका सेक्शन नंबर 11। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ही क्वेश्चन में मैंने इतनी सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेटल्ड प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी ऑथराइजिंग हिम टू कलेक्ट रेंट ऑफ हिज हाउस, ऑफ हिज हाउस, ठीक है, ए क्रिएटेड इन फेवर ऑफ बी इज, तो अ सेटल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ए सेटल्ड अ प्रॉपर्टी एक तरीके से इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ बी, इन फेवर ऑफ बी, यहां पर सिर्फ फेवर ऑफ बी की बात हो रही है, ऑथराइजिंग हिम, ठीक है, ऑथराइजिंग हिम टू कलेक्ट रेंट, कलेक्ट रेंट, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका कॉन्टिजेंट होगा, नहीं कॉन्टिजेंट तो नहीं होगा। वेस्टेड में क्या होता है कि अल्टीमेटली आपको थोड़े समय के लिए दी गई है, उसके बाद फिर आपको एब्सोल्यूट उसका राइट मिल जाता है, तो वो भी आप कह सकते हैं नहीं होगी ये, और आपका आंसर हो जाएगा नॉट वेस्टेड इंटरेस्ट। ये किस तरीके का इंटरेस्ट है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं इस पर। नेक्स्ट है आपका ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट ऑफ सी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर भी लीजिएगा। A transfer property to B, A transfer property to B in trust for C and directs B to give
पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 25. सी इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स अंडर द सेक्शन. अंडर द सेक्शन की बात वो कर रहा है. जल्दी से मुझे बताइए कि किसकी वो बात कर रहा है. जल्दी से मुझे बताएं कि ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जल्दी से बताइए इसका आंसर. ये आपका सेक्शन नंबर 25 है, ये आपका सेक्शन नंबर 21 है, या 19 है, या 18 है. तो 18 अगर हम लोग बात करते हैं, ये किससे रिलेटेड बात है? ये आपका एक्सेप्शन टू रूल अगेंस्ट परपेचुटी से रिलेट करता है. रूल अगेंस्ट परपेचुटी से रिलेट करता है, ठीक है. और ये सेक्शन नंबर 19 आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है. वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है. सेक्शन नंबर 21 हमने पढ़ा था अभी, ठीक है. ये कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है, कॉन्टिजेंट याद रहेगा. और 25 जो है ये आपका कंडीशनल, ठीक है, ट्रांसफर है, या कंडीशनल इंटरेस्ट की बात हम यहां पर कर सकते हैं. इस बात को ध्यान रखेंगे. कोई डाउट यहां तक? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए. जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए. तो मैंने अब आपको ऑप्शन पूरी तरीके से दे दिया है. अब भी अगर आप नहीं बताओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जब जल्दी से बताइए कैसे काम चलेगा भाई. सारे के सारे मैंने बता दिए. जल्दी से बताइए. तो ट्रस्ट की बात हो रही है, तो ट्रस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट से रिलेट होगा. किससे होगा? वेस्टेड इंटरेस्ट से हो जाएगा. आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 19. तो अब थोड़ा देखो, पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 19 जो है वो क्या कह रहा है. सेक्शन नंबर 19 देखिए जरा. वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखिए जरा ध्यान से. सेक्शन नंबर 19 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करता है. किसकी बात करता है? वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करता है. और ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, ध्यान से देखें कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड. एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है इन द फेवर ऑफ, किसके? इन द फेवर ऑफ अ पर्सन. कैसे? विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम. टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ये आपको बोल दिया गया है कि भाई विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट. और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ, मतलब फोर्थविथ इमीडिएटली आफ्टर, किसी एक कंडीशन के इमीडिएटली आफ्टर की बात हो रही है. ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन सच इंटरेस्ट इज अ वेस्टेड अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन. अगर उसको हम वेस्टेड इंटरेस्ट मानेंगे अगर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर नहीं होता है इन द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर. इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है. अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बना लीजिएगा. अ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स द क्या, आपकी पोजेशन, बिफोर ही ऑब्टेन दी पोजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सिंपल ये कह रहा है कि यहां पर जब हम लोग वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर जैसे मान लीजिए ए जो है बी को ट्रांसफर करता है और उसके बाद फिर सी को ट्रांसफर करता है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना. यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट हाँ ए के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बी को जाएगी और बी के बाद किसको जाएगी? सी को जाएगी. तो यहाँ पे एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो गया है, इस बात को ध्यान रखना है. आया समझ में ये चीज? अब देखिए जरा ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को देखिए. ए एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करें, एन इंटेंशन दैट एन इंटरेस्ट शैल नॉट बी वेस्टेड इज नॉट टू बी इन्फर्ड मेरली फ्रॉम, कहां से नहीं हमें उसको मानना है, ठीक है, फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एंजॉयमेंट देयर ऑफ. वो कौन उसको एंजॉय कर रहा है या किस तरीके से एंजॉय कर रहा है इसके बेसिस पे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बताया जाता है, ठीक है. और सबसे खास बात है उसके टाइम को भी नहीं. जैसे मान लीजिए ए ने बी को ट्रांसफर किया और बी से फिर उसके बाद वो ट्रांसफर एब्सोल्यूट ट्रांसफर कहाँ होना है? एक
आप कह सकते हैं वो सी के पास जाना है, तो उसको बोला कि 18 इयर्स के बाद मिलेगी ये प्रॉपर्टी, 18 इयर्स के बाद मिलेगी ये प्रॉपर्टी। तो भाई सीधी सी बात है 18 इयर्स के बाद मिले, पर यहाँ पे टाइम जो है पोस्टपोन भले ही कर दिया है, इमीडिएटली मिलनी चाहिए थी, इसके मरने के तुरंत बाद मिलनी चाहिए थी, पर हमने इसमें टाइम लगा दिया 18, तो उससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हाँ वो वेस्टर्न इंडीज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, उसमें टाइम बाउंडेशन जो है हमने लगाई है। वेयर बाय अ प्रायर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी इज गिवन और रिजर्व टू सम अदर पर्सन, और वेयर बाय इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी डायरेक्ट टू एक्यूमुलेट अंटिल द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट अराइज, और फ्रॉम द प्रोविजन दैट इफ अ पर्टिकुलर इवेंट शेल हैपन द इंटरेस्ट शेल पास टू अनदर पर्सन। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका, तो आपको ये समझ में आ गया कि द इंटेंशन ऑफ इंटरेस्ट शेल नॉट बी वेस्टेड इज नॉट टू बी इन्फर्ड। ठीक है, हमें इनसे इस चीजों से इन्फर्ड नहीं करना है, किस चीज़ें नहीं, कि अगर आपको पोस्टपोन्ड हो गया है, प्रायर इंटरेस्ट पहले क्रिएट हो गया है, या एक्यूमुलेशन के लिए बोल दिया गया है, तो इन सब चीजों से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी 19। नेक्स्ट, ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम और टू द सर्वाइवर ऑफ देम। सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बी, डी सर्वाइव्स बी एट बीज डेथ, द प्रॉपर्टी किसको मिलने वाली है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक इलस्ट्रेशन है, ये क्या है, ये एक इलस्ट्रेशन है, इस बात को ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, शेल पास टू एनी पर्सन, शेल पास टू द पर्सन हु इज स्पेसिफाइड नेम्ड इन द ट्रांसफर, शेल पास टू डी, नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताएं। अरे भाई, तो इसका सेक्शन नंबर पहले बताओ। तो सेक्शन नंबर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है आपका सेक्शन नंबर 24 जो है वो बात करता है आपका इस तरीके के इलस्ट्रेशन की। तो सेक्शन नंबर 24 की हम लोग एक बार बेरेक में रीडिंग कर लेते हैं, उससे हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेक्शन नंबर 24 क्या बोल रहा है। देखिए जरा सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 24 कहता है ट्रांसफर टू सच अ सर्टेन पर्सन एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। तो यहां पे सर्वाइवलशिप की बात हो रही है कि कौन बच रहा है, उसके सर्वाइवलशिप के हिसाब से उसका ट्रांसफर यहां पर देखने को मिलेगा। वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन सो एक्रू, इंटरेस्ट जो है वो अगर उभरता है बनता है टू सच अ सर्टेन पर्सन एज शैल बी सर्वाइविंग, जो कि सर्वाइविंग होगा उस समय एट सम पीरियड, बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, हाँ ये है कि सर्वाइवल होगा, वो हो सकता है कि एक साल हो, दो सालों, पर ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव व्हेन द इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज, मतलब तुरंत उसके बीच का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, बोला बी अगर नहीं रहेगा तो सी को मिलेगी, ठीक है, सी नहीं मिलेगी तो फिर डी को मिलेगी, तो अगर ये इंटरमीडिएट नहीं है तो अपने आप प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, डी को मिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये है आपका सेक्शन नंबर 24। तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं ट्रांसफर फॉर सर्वाइवलशिप की ये कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो इलस्ट्रेशन है बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए मैं आपको बार बार बेरेक इसलिए दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि बेरेक को रीड कैसे करना है। बेरेक अगर आप रीड नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी, ठीक है, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी एंड आफ्टर दिस आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में इक्वली डिविजन होना था, और टू दी सर्वाइवल ऑफ देम,
सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी, तो सी की मृत्यु हो जाती है, सी खेल खत्म हो गया, डी सरवाइव करता है बी के लाइफ टाइम में, तो बी डेथ के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको मिलने वाली है, डी को पास ऑन हो जाएगी, यही बोल रहा है आपका ये सेक्शन नंबर 24। बहुत सिंपल सी चीज है और वही आपका क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि शेल पास टू डी, शेल पास टू डी, याद रहेगा ये चीज, कोई डाउट यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन नंबर 25 ऑफ द ट्रांसफर, ये बहुत ही सिंपल सा है, सेक्शन नंबर 25 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये बात करता है आपका कंडीशनल ट्रांसफर, ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफर की बात करता है। अब ये जो कंडीशनल ट्रांसफर है, अगर उसकी मैं बात करूं, तो हम लोगों ने ये कंडीशन तो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 10 में भी पढ़ा था। सेक्शन नंबर 10 जो है वो क्या बोलता था, वो कंडीशन ऑन एब्सोल्यूट एलिनेशन को वॉइड बताता था, एब्सोल्यूट एलिनेशन को वॉइड बताता था, यस और नो हमने देखा था। तो कंडीशन ऑन एब्सोल्यूट एलिनेशन जो भी होंगी उनको डिक्लेयर किया गया है, विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, कंडीशन वॉइड है, ट्रांजेक्शन वॉइड नहीं होता। और इसमें जो सेक्शन नंबर 10 में जो सबसे खास चीज है वो है आपका सबसीक्वेंट कंडीशन, ठीक है, सबसीक्वेंट कंडीशन है। यहां पे कंडीशन कैसी है, सबसीक्वेंट कंडीशन है, कंडीशन एलिनेशन को करने के बाद लगाई गई है। मतलब अगर मान लेते हैं एलिनेशन हो गया, मान लीजिए ए ने जो प्रॉपर्टी है वो बी को ट्रांसफर की है, और ट्रांसफर करने के बाद बी से कहा है कि भाई तुमको ये कंडीशन फॉलो करनी है, तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी, ये सेक्शन नंबर 10 कहता है। पर सेक्शन नंबर 25 में जो सबसे खास बात है वो यहां पर कंडीशंस जो लगती हैं, वो कंडीशन कैसी होती हैं, वो कंडीशन होती हैं आपकी प्रिसिडेंट, मतलब पहले की कंडीशन होती हैं, प्रिसिडेंट कंडीशंस होती हैं। प्रेसिडेंट का मतलब यहां पर कि पहले कंडीशन फुलफिल करो और उसके बाद जाकर आपको वो ट्रांसफर मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहले कंडीशन फुलफिल करो और उसके बाद ट्रांसफर आपका होगा। तो चलिए देखिए जरा ध्यान से, सेक्शन नंबर 25 क्या बोल रहा है, कंडीशनल ट्रांसफर, सेक्शन नंबर 25 क्या कर रहा है, कंडीशनल ट्रांसफर, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन फेल्स, कंडीशन फेल्स इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल, फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल, और इफ फॉरबिडन बाय द लॉ, इज फॉरबिडन बाय द लॉ, और इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, और इज फ्रॉडलेंट, और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरीज टू अ पर्सन, इम्प्लाइज इंजरीज टू अ पर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसीज। तो यहां पर वो कंडीशन, वो कंडीशनल ट्रांसफर जो है वो क्या होंगे, वो आपके वॉइड हो जाएंगे, दोज कंडीशनल ट्रांसफर्स विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 25। अब यहां पे जो कंडीशंस लगाई गई हैं उसी को अगर हम आगे देखेंगे तो आपको एक चीज और भी पता चलेगी, फुल फुल पिन जब 26 पढ़ेंगे तो 26 शुड बी रेड, 25 शुड बी रेड विद 26 आल्सो, और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बात कर रहा है फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, वेयर द टर्म ऑफ द ट्रांसफर, वेयर द टर्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंपोज, जो भी आपके ट्रांसफर प्रॉपर्टी पे इंपोज किए गए कंडीशंस हैं, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर अ पर्सन कैन टेक, बिफोर अ पर्सन कैन टेक द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू बी फुलफिल्ड इफ इट हैज बीन सब्सटैंशियली बी कंप्लाइड। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे कंडीशन कैसी है, प्रिसिडेंट कंडीशन की बात हो रही है, कैसी हो रही है, प्रिसिडेंट कंडीशन की बात हो रही है, मतलब यहां पे कंडीशन को पहले फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कहीं पे ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है, आया समझ में चीज, कोई डाउट यहां तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट। सब्सिक्वेंट के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10।
सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 भी है उसमें, पर हम लोगों के लिए जो मेन है वो 25 में कौन से तरीके कंडीशन है, कंडीशन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। ए गिव्स रुपीज 500 टू बी ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट बी शेल मैरी एज डॉटर, बी शेल मैरी एज डॉटर जी। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जी वॉज डेड, द ट्रांसफर इज वॉइड अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इसमें ए जो है, ए ने बोला कि बी से कि भाई हम तुमको 500 रुपए देंगे, ठीक है, और एक कंडीशन लगा दी कि बी शेल मैरी ए, बी शेल मैरी एज डॉटर, जिसका नाम जो है वो कौन है, वो है जी। और जी जब मैरी करने के लिए, मतलब बी और जी की जब मैरिज की बात होती है तो जी तो मर चुकी है, तो ये एक तरीके से इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई। तो ये आपका ट्रांसफर कैसा हो गया, ये ट्रांसफर आपका अवॉइड हो गया। पर ये कौन से सेक्शन में दिया गया है ये आपको बताना है, 25, 26, 27 और 28। तो इसको एक बार जरा देखिए, अभी हम लोगों ने यहां पे देखा, ये देखिए अभी 25 हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल ट्रांसफर, उसका इलस्ट्रेशन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर 25 का इलस्ट्रेशन नंबर बी यही कह रहा है, ए गिव्स रुपीज 500 टू बी on the condition that he marries A's daughter C, at the date of the transfer C was dead, the transfer is void. तो conditional transfer, तो यहाँ पर आपको conditional transfer के provisions को यहाँ पर use करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अभी तक मैंने जो आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस और करने हैं और आपको आरजीएस की तैयारी करनी है और आरजीएस की तैयारी में आपको किसी भी तरीके की दुविधा आ रही है तो आप हमारा जो कोर्स है उसको ले सकते हैं। कोर्स लेने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, अपने नेट, अपने फोन में आपको बस अड्डा 247 जो है वो लिखना है, और अड्डा 247 लिखने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की स्क्रीन जो है वो बनकर आ जाएगी, और यहाँ पर आपके पास ऑल कोर्सेज हैं, मतलब अड्डा 247 इतने सारे कोर्सेज आपको देता है, और इसमें लास्ट में आपको मिलेगा पीसीएस जे जुडिशरी का बैच, ठीक है। तो पीसीएस जे जुडिशरी का ये जो बैच है ये है आपका स्टेट जुडिशरी पीसीएस आर राजस्थान एपीओ ऑल इंडिया बार के लिए। तो आपको इसमें जाना है जुडिशरी वाले में, और जुडिशरी वाले में जाने के बाद आपके पास ये सारे के सारे बैग्स आ जाएंगे। एक महापैक है जिसमें आपको सारे के सारे जुडिशरी, जितने भी आपके स्टेट जुडिशरीज होते हैं उन सबका सारा रेलिवेंट आपको डेटा मिल जाएगा, सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल सेंस में मिल जाएंगे। फिर आपका एक जो मेरा जो कोर्स है वो कौन सा है, वो है आपका आरजीएस प्रिलिमिनरी 2024 बैच, और इसको आप अवेल कर सकते हैं, ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाले में, ठीक है, ग्रीन इज द सिग्नल फॉर गो। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से खुल जाएगा, और खुलने के बाद राजस्थान जुडिशरी प्रीलिम 2024 का ये पूरा आपको सीरीज, इसमें 500 लोगों को ही रखा जाएगा, और इसमें 180 से ज्यादा, एक तरीके से लिखा हुआ है 180 आवर्स, पर आप समझ लीजिए इससे भी ज्यादा क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलने वाला है, एक्सपीरियंस फैकल्टी तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, इसके साथ साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का पूरा एक पैक जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और उसके बाद पीडीएफ नोट्स काउंसलिंग सब मिलेगी। और अगर आपको एडमिशन लेना है, उसकी इंक्वायरी करनी है, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाएं, तो आप आसानी से इस नंबर पर कॉल करके सारी और डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। नंबर एक बार आप फिर से देख लीजिए, नंबर जो है वो है आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 08045218849, ठीक है। इसके बाद ये आपके सारी की सारी चीजें, इसमें टॉपर्स प्लान, सेमिनार्स, प्रीवियस ईयर पेपर, टिप्स, इंटरैक्टिव सेशंस, हैंडआउट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान जुडिशरी। और इसमें स्पेशली मैं आप लोगों को पूरा टीपी एक्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर इसको आप बाय नाउ करेंगे तो बाय नाउ में वैसे ये है तो बहुत महंगा, बट इसको अभी हम लोग कंसेशन में दे रहे हैं, तो इसमें आप मेरा कोड लगा दीजिएगा, तो कोड आपका आपको एक बहुत अच्छी खासी क्या देने वाला है, एक आपको डिस्काउंट देने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो अब वापस से आगे बढ़ते हैं, वापस से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो सेक्शन नंबर 25 इज द राइट आंसर, सेक्शन नंबर 25 इज द राइट आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882
ए ट्रांसफर रुपीज 5000 टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शेल मैरी विथ द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई. ई डाइज, ई जो है वो मर जाता है, ई मर जाता है कंसेंट देने से पहले ही मर जाता है बेचारा. तो बी मैरीज विद द कंसेंट ऑफ सी एंड डी. तो क्या ये वैलिड होगा या ये इनवैलिड होगा? तो इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन जाना है? ये सेक्शन है आपका 26, फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट. ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, सेक्शन नंबर 26 जो है वो यही बात करता है. प्रेसिडेंट कंडीशन को हमें फुलफिल करना है. ठीक है, अब मान लीजिए कंडीशन फुलफिल करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी है. अगर भाई साहब कोई अगर सी है, कोई डी है और ई है और ई मर जाता है और हमें उसकी इजाजत चाहिए, तो भाई मरे हुए आदमी की इजाजत लेने क्या ऊपर जाएंगे क्या? तो सिंपल सी बात है, तो इस तरीके के प्रोविजन को हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ उसने इजाजत दे दी है. तो देखिए ये आपका सीधे आपका सेक्शन नंबर 26 का इलस्ट्रेशन है. ट्रांसफर रुपीज 5000 टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शेल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई. ई डाइज, बी मैरिज टू द कंसेंट ऑफ सी एंड डी. तो बी इज डीम्ड टू बी फुलफिल्ड द कंडीशन. बी ने मान लिया है या बी ने जो कंडीशन थी दी गई थी बी को, उसने वो कंडीशन फुलफिल कर ली है. तो क्योंकि ई से ऊपर मिलने तो भाई साहब जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियस है कि कंडीशन हो गई है फुलफिल. इसी तरीके से ए ट्रांसफर 5000 टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई. बी मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ डी. अब वो डी मरा नहीं है, विदाउट द कंडीशन ऑफ डी सी. ठीक है, सी डी एंड ई, बट ऑब्टेन्स देयर कंसेंट आफ्टर द मैरिज. अब देखिए आफ्टर द मैरिज कंडीशन ये थी कि बिफोर द मैरिज आपको ये करना है. अगर आप आफ्टर द मैरिज करोगे तो कंसीडेंट जो कंडीशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और बी हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन. इस बात को ध्यान रखेंगे और उसके बाद वो कंडीशनल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलिए तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से आ जाइए. A transfer rupees 5000 to the B on the condition that he shall marry with the consent of C and D and E. ठीक है, okay. And B marries without the consent of C, D and E, but obtains their consent after the marriage. Has B fulfilled the condition? Answer is no. He has not fulfilled the condition. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक बार क्या वही सेम हो गया. ठीक है, अब आ जाइए. ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट फॉर सी एंड डायरेक्ट्स बी टू गिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 25. सीज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ये हम पहले भी कर चुके हैं. अच्छा, अब आ जाइए इस पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. कंडीशनल ट्रांसफर सेक्शन नंबर 24 में नहीं है, सेक्शन नंबर 25 में है. ठीक है, सेक्शन नंबर 25 में है, याद रहेगा ये चीज. इसके साथ साथ इस 24 में क्या है, ये बेसिकली आपका सर्वाइवल के बारे में बात करता है. सर्वाइवल, ठीक है, याद रहेगा ये चीज. ठीक है, और वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 19 में है, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 21 में है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी सेक्शन नंबर 14 में है. तो ये आपका आंसर क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आंसर इज कंडीशनल ट्रांसफर जो है वो सेक्शन नंबर 25 में है. इस बात को ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए गिव्स अ फील्ड टू बी रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीज एसेंट द राइट टू टेक बैक द फील्ड इन केस बी एंड हिज डिसेंडेंट डाइज बिफोर ए. बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट इन एज लाइफ टाइम, कैन ए टेक बैक द फील्ड? आंसर बताइए जल्दी से. ये कंडीशन आपकी कैसी है, वॉइड है, क्या है, जल्दी से बताइए. भाई
भाई ए जो है, ए गिव्स द फील्ड टू बी, ठीक है, रिजर्विंग हिमसेल्फ, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीज असेंट द राइट टू टेक बैक, राइट टू टेक बैक, ठीक है, द फील्ड एंड इज डिसेंडेंट डाइज बिफोर ए. डिसेंडेंट जो है वो डाई हो, मतलब मर जाते हैं, डाई बिफोर ए, डाई बिफोर ए. तो बी डाइज विदाउट डिसेंडेंट एज लाइफ, इन एज लाइफ टाइम कैन ए टेक बैक दी फील्ड? यस, नो, कंडीशन इज वॉइड. जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए द कंडीशन इज वॉइड और नॉट. अरे इतना सिंपल है भाई, जल्दी से बता दो. यस, वापस ले सकता है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरी की डेथ से वो नहीं फील्ड होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अ ट्रांसफर ऑफ फार्मर टू बी फॉर हिज लाइफ विद अ प्रोविजन दैट इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड, सर्टेन वुड द ट्रांसफर शेल सीज टू हैव एनी इफेक्ट. बी कट्स डाउन दी वुड, वॉट विल बी दी इफेक्ट ऑफ हिज लाइफ इंटरेस्ट ऑन दी फार्म? तो देखिए, ये आपका जो सेक्शन है, ये आपका सेक्शन नंबर 31 का इलस्ट्रेशन है, सेक्शन नंबर 31 का जो आपका इलस्ट्रेशन है. और सेक्शन नंबर 31 जो है, ये बेसिकली आपको 31, 32 और आपका जो सेक्शन नंबर 10 है, 11 है, इन सबको जोड़ता है. इस बात को ध्यान रखेंगे. देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 31. सेक्शन नंबर 31 क्या बोल रहा है, देखिए जरा ध्यान से. सेक्शन नंबर 31 कह रहा है कंडीशन दैट ट्रांसफर शेल सीज, कंडीशन दैट ट्रांसफर शेल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपेंस. ठीक है, हैपेंस और डज नॉट हैपेंस. तो क्या लिखा है, लिखा है कि अगर हम सेक्शन नंबर 12 की अगर बात को अभी छोड़ दें, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देर इन मे बी क्रिएटेड विद द कंडीशन. ठीक है, एक इंटरेस्ट बनाया जा सकता है कंडीशन के साथ, जो कि क्या बोल रही है, अगर वो कंडीशन क्या होती है, सीज होती है, या एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने को कंडीशन बनाकर लगाया गया है, तो वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट अगर होता है, नहीं होता है, तो उस पर आपका ट्रांसफर डिपेंड कर सकता है, कंडीशन वैलिड रहेगी. इस तरीके की कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे. तो ये देखिए, इसका एग्जांपल जो इलस्ट्रेशन है ये यही है. ए ट्रांसफर्स अ फार्म टू बी, ठीक है, फॉर हिज लाइफ. ठीक है, तो यहां पर उसने एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, एक लाइफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है विद द प्रोविजो दैट द इन केस बी कट्स डाउन सर्टेन वुड. बी जो है, बी कट्स डाउन सर्टेन वुड, जो है एक पेड़ लगाया गया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली आपकी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है. बी कट्स डाउन दी सर्टेन वुड, तो ये सर्टेन वुड जो है वो क्या है, ये आपकी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है. द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट. बी अगर बी कट्स डाउन दी वुड, तो अगर बी कट कर देता हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट हो जाता है, तो फिर क्या, ही लूजेज हिज लाइफ इंटरेस्ट इन दी फार्म. तो लाइफ इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ था बी के रिस्पेक्ट में, वो उसको उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं किया कि भाई उसे वो कट, वो वुड जो है, वो पेड़ जो है वो नहीं काटना था. ठीक है, अगर उसने काट दिया तो फिर काट दिया, उसका लाइफ इंटरेस्ट जो है चला जाएगा. ठीक है, आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट, लाइफ इंटरेस्ट ऑन दी फार्म क्या होगा, लूज कर देगा. क्या कर देगा, लूज कर देगा. नेक्स्ट, लॉ फेवर्स वेस्टिंग ऑफ एंड डिसफेवर्स डाइवेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इज क्लियर फ्रॉम दी प्रोविजन कंटेन्ड इन दी फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. कौन कौन से सेक्शन हैं जो कि इसको बताते हैं, लॉ फेवर्स वेस्टिंग ऑफ एंड डिसफेवर्स डाइवेस्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 27, 28, 30
थर्टी थर्टी वन, ये तो आपके सब्सिक्वेंट कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, अनस्पेसिफाइड इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 31 और 32 इसी से कनेक्टेड हैं, तो आंसर इसका आ जाता है 26 और 29, ठीक है। 26 एंड 29 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल है, कुछ खास नहीं, ये बात करता है फुलफिलमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट कंडीशंस, और 26 जो बात करता है वो बात करता है फुलफिलमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कंडीशंस। तो प्रेसिडेंट कंडीशंस और सब्सिक्वेंट कंडीशंस को फुलफिल अगर आप कर भी देते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा और आपकी जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा, कह सकते हैं डिसवेस्टिंग द इंटरेस्ट जो है, या कह सकते हैं कि डाइवेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसफेवर करता है लॉ, कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से आपका वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो बना का बना रहे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, यहाँ पे सब्सिक्वेंट कंडीशन की फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए, तो कंडीशन प्रेसिडेंट, और यहां पे कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट। नेक्स्ट, प्रोविजन बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहां पे एक डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन भी है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन भी होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये है आपका सेक्शन नंबर 17 में, ये कहां पर है, ये है आपका सेक्शन नंबर 17 में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन जो है वो सेक्शन नंबर 17 में है, और अब आपको बताना है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि आपको यहां पर अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है तो एक नहीं तो फिर किसको जल्दी से मिल जाएगा, इसमें यहाँ पे कैसे तेजी से आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर हो रहा है, उस पर बात हो रही है। जल्दी से बताइए, जल्दी से, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन 17 में, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन किसमें है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने देखा था, ये आपका सेक्शन नंबर, ये फुलफिलमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट, फुलफिलमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कंडीशंस की बात कर रहा था, ठीक है। इसके बाद इसमें 28 और 27 और 30 की अगर हम लोग बात करें तो मेनली ये 27 जो सेक्शन है वो डिस्कस करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बोलता है 27, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। इसमें अल्टीरियर कंडीशन, 28 में अल्टीरियर है कंडीशन की बात करते हैं, जिसमें एक के बाद दूसरा है, और ये है आपका 27, कंडीशन ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद द ट्रांसफर टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिपोजिशन। तो यहां पे बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब भी कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है और उसके संबंध में किसी तरीके का इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है किसी एक पर्सन के रेफरेंस में, ठीक है, और सेम एक ट्रांजेक्शन किया जाता है, सेम ट्रांजेक्शन किया जाता है फॉर अल्टीरियर डिपोजिशन, मतलब उसके नेक्स्ट डिपोजिशन के लिए, ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन, इफ द प्रायर डिपोजिशन जो है वो फेल हो जाता है, अगर वो मान लीजिए ए ने बोला कि बी को मेरी प्रॉपर्टी जाएगी, और फिर बी अगर मर जाता है तो सी को प्रॉपर्टी जाएगी, तो सीधी सी बात है अगर बी मर जाता है तो प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी, सीधे सीधे सी के पास चली जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। द अल्टीरियर डिपोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन द फेलियर ऑफ द प्रायर डिपोजिशन, ठीक है। तो मतलब अगर ये फेल हो जाता है तो सीधे प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, सी के पास जाएगी। यही है आपका सेक्शन नंबर 27, यही है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। आया समझ में चीज, कोई डाउट यहां तक, चलिए। तो ये आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए था, इसका एक हम लोग जो इलस्ट्रेशन है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है, ए ट्रांसफर रुपीज 500 टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर ए'ज डेथ, एंड इफ ही शुड निगलेक्ट टू डू सो टू सी। इसने बोला, ए ने बोला कि हम 500 रुपए बी को देंगे अगर वो ये लीज 3 months आफ्टर द डेथ ऑफ ए करता है, और अगर नहीं करता तो सी को मिल जाएगी। बी जो है डाइज एज, बी डाइज इन एज लाइफ टाइम, बी अगर मर जाता है ए की जिंदा रहते रहते तो फिर वो बी कैसे ही कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा कि ए के मरने के बाद वो लीज ट्रांसफर हो, तो नहीं हो सकती, तो ये कंडीशन तो वॉइड हो गई। तो इसलिए सीधे पैसे कहां चले जाएंगे, ए से सी के पास, ए जो है इसको दे देगा,
सीधे सी को दे देगा, वही लिखा हुआ है, द डिपोजिशन इन द फेवर ऑफ सी टेक्स इफेक्ट। आया कोई डाउट यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अलग क्वेश्चन बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए कि ए ट्रांसफर रुपीज 5000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शेल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर एज डेथ। यही वाला क्वेश्चन था अभी। एंड इफ ही शुड निग्लेक्ट टू डू सो बी डाइज इन फेवर ऑफ इन एज फेवर ऑफ लाइफ टाइम विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 शेल अप्लाई इन डिसाइडिंग द लीगल राइट्स ऑफ द सी। तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, इसमें आपका सेक्शन नंबर जो 27 जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन जो है, वो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर सीधे सीधे आपका 27 है। नेक्स्ट, अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी ये बेसिकली एक बहुत ही फेमस रूल है, और ये रूल बोलता क्या है, ये रूल कहता है, ये बेसिकली इंग्लिश लॉ का रूल है। कैसा किसका रूल है? ये इंग्लिश लॉ का रूल है, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे नोट पॉइंट बना के, कि इंडिया डू नॉट फॉलो दिस रूल, डू नॉट फॉलो दिस रूल, दिस रूल। और ये जो रूल है स्पेशली रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, ये स्पेशली आपका रूल जो हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर टू अनबॉर्न, जो अनबॉर्न लोगों को जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ये रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी आता है। और ये कहता है कि भाई किसी भी मतलब जो एग्जिस्टेंस में कोई आदमी नहीं है उसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि वो जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, पैदा होगा भी कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो डबल पॉसिबिलिटीज आती हैं, इसमें हम ट्रांसफर हमेशा इंटरवाइवोस करने की कोशिश करते हैं, वहां पर कभी भी किसी तरीके का ऐसा ट्रांसफर ना किया जाए, उस बंदे को ट्रांसफर ना किया जाए जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है ट्रांसफर के समय। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये खासकर इसमें जो केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्शन बी, विटबाई वर्सेस मिशेल का केस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बट ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में ये चीज वैलिड नहीं है। सेक्शन नंबर 13 जो है आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि हम प्रॉपर्टी अनबॉर्न को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो सेक्शन है ये समझ में आए होंगे। और अगर आप चाहें तो इसी तरीके के एक्साइटिंग और बहुत सारे अलग अलग MCQs को सॉल्व करने के लिए हमारा अड्डा 247 का ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको डेली न्यूज़ हेडलाइंस मिलेंगी, डेली करंट अफेयर्स और आर्टिकल्स मिलेंगे, डेली एडिटोरियल्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और आपको बहुत सारे MCQs भी मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे जो टॉपिक्स मैंने कराए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग इसी के आगे सेक्शन नंबर 35 से ही और आगे हम लोग चलेंगे, और चल के देखेंगे कि और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। हम लोग मार्शलिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर्स को समझेंगे, और हमारे पास जो पार्ट परफॉर्मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, इलेक्शंस के जो क्वेश्चन हैं, अपोर्शनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्री में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होती है तब तक नहीं सॉल्व होते हैं, उनको हम यहाँ पर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।